आज का जो ब्रेकफास्ट होने वाला है वो बनेगा भाई आग में। यार धुआं बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। आग का यही एक डिसएडवांटेज है कि इसमें धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। पापा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जो है आज हम पापा जी को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो यार आज सेकंड डे है मेरा घर पे अकेले और आज ना मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ सारे काम निपटाते हुए। बेसिकली कल रात को ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत ज्यादा थकान हो गई थी दिन भर की, तो मैंने सो गया था और मैं एडिट नहीं कर पाया ब्लॉग को, इसलिए सुबह उठ के जल्दी पहले ब्लॉग एडिट किया। उसके बाद फिर अपनी गाय को देखने के लिए गया, फिर झाड़ू पोछा वही पूजा पाठ सब कुछ निपटाने तक जो है ना मेरे को 10:30 बज चुका है। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को जो है ब्रेकफास्ट बनाना है और पापा जी का जो है फेस वॉश करना है। जल्दी से जो है पापा का फेस वॉश करते हैं फिर इनको देते हैं ब्रेकफास्ट। होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। तो पापा जी तो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से जो है ना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूं कि मेरे पिताजी जो है ना वो बीमार हैं और वो खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो सारा काम है ना वो हमें ही करना पड़ता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, गुड। तो नॉर्मली आप लोगों ने मुझे खाना बनाते हुए देखा होगा गैस पे, पर आज जो है मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ और आज का जो ब्रेकफास्ट होने वाला है वो बनेगा भाई आग में। वैसे आग जलाना बहुत ज्यादा टफ होता है, पर हम जो है ना पहाड़ में रह के इतना सब कुछ तो बहुत इजीली सीख गए भाई कि आग कैसे जलती है। आप लोग देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है, पर मेरी आग एकदम परफेक्ट चली है। तो सारा जो सामान है वो मेरा आ चुका है और आज मैं ना पराठे बनाने वाला हूँ। आटा मैंने कल रात ही गूंद लिया था ताकि मेरे को सुबह दिक्कत ना हो, तो ये मेरा काम आ जाएगा। बाकी मैं बैठने के लिए आया हूँ चौक, इसको चौक बोलते हैं। तो आज मैंने आग बनाने का इसलिए सोचा ताकि आप लोगों को भी जो है थोड़ा सा मजा आए और मेरा भी जो है टाइम पास हो जाए और साथ साथ में जो है मस्त अपने पराठे भी बन जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। आई लव यू। ये हो चुका है भाई मेरा पहाड़ी पराठा तैयार। ज्यादा मैंने इसमें ऑयल यूज नहीं किया और देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, टेस्टी। यार धुआं बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। आग का यही एक डिसएडवांटेज है कि इसमें धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, तो आंखों में ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है काम करते वक्त, बाकी मजा बहुत आता है। बस एक बार तुमको देखने को तरसू, कहता है दिल ये मेरा। पापा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? गुड। लो भाई ऑलमोस्ट जो है ना अपना काम फिनिश ही है, बस एक ही पराठा रह गया। एक मैंने बेल दिया है, एक जो है पक रहा है। मैं जो है ना पराठों को बहुत अच्छी तरीके से सेक रहा हूँ क्योंकि तेल बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पक जाए। वैसे भी अपन आग में बना रहे हैं, कोई गैस वैस का खर्चा भी नहीं है, तो आराम से जो है बढ़िया तरीके से उनको सेक रहा हूँ मैं। फाइनली गाइस हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी और आप लोग जो है ना क्वालिटी चेक करो भाई, कितने ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। आज तो पापा का मजा ही आ जाना है। ऑल राइट, तो अपना जो ब्रेकफास्ट है भाई वो रेडी हो चुका है। लंच के टाइम पे हो रहा है बट कोई नहीं, कहेंगे तो ब्रेकफास्ट ही। तो अभी पराठों के साथ मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी, पर उससे पहले दोस्तों ये बर्तन मलने हैं क्योंकि बर्तन नहीं मले, तो बर्तन मल देता हूँ उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। ये काम भी हो चुका है अपना फाइनल, चाय भी अपन ने रख दी है भाई, पर दूध ही नहीं है। ओह शिट, अब मुझे दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा। आज तो सच में ही यार भाई ये लंच हो गया, ब्रेकफास्ट जैसा तो कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि टाइम जो है ना वो 12 बज गया है। चलो थोड़ा थोड़ा मौसम तो खुला, हल्की सी धूप आ गई है ना, तो अभी बेटर है सब कुछ। बारिश जो है ना वो आधा मन खराब कर देती है ना, इसलिए धूप सही है। फील्ड में देखो बच्चे खेल रहे हैं, कभी हम भी ऐसे खेलते थे यार छुट्टी के दिन, अभी इनको देख के बड़ा मस्त अच्छा सा लग रहा है यार, अपने दिन याद आ रहे हैं। ओहो आज तो नया जूता आ गया। फाइनली जो है मेरी चाय भी बन चुकी है भाई, अब तो आप जल्दी से सर्व करते हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट लंच जो कह सकते हो। लो पापा जी आपका ब्रेकफास्ट, आपने बहुत देर से इंतजार किया। रुको 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 रुको, आज आपको ब्रेकफास्ट मैं खिलाऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जो है आज हम पापा जी को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाएंगे। आज मेरा बहुत मन है अपने हाथ से खिलाने का, तो आज मैं ही खिलाऊंगा। कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। यार देखो कितनी अच्छी किस्मत है ना, मैं जैसी ब्रेकफास्ट लेके आया इतनी अच्छी सी धूप आ गई है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पर भाई मुझे फर्स्ट टाइम जो खिलाने में मजा आया ना भाई, तो चलो मैं भी जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं बहुत बार बता चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि ऐसे अपने को जो है केयर करनी पड़ती है भाई पापा की, तो मेरे लिए ना सही पापा जी के लिए एक लाइक जरूर कर देना,
तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यार फाइनली जो है सब ने जो है खाना ना खा लिया भाई, अब जो है थोड़ा देर करते हैं रेस्ट। वैसे रेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, चलते हैं भाई छत में, मैं छत पे ही सोऊंगा आज, मेरा छत में सोने का मन है। ओहो पर छत में तो यार यहाँ पे घास रख रखी है, कैसे सोएंगे, चलो वापस नीचे चलते हैं। 5 बज चुके हैं शाम के और मैं जो है ना अभी उठ रहा हूँ, देखो बेड भी मैंने अच्छे से साफ नहीं किया है। तो अभी सबसे पहले भाई मैं पापा को देता हूँ चाय, पापा सोए पड़े उनको उठाता हूँ और उसके बाद उनको चाय वाय पिलाता हूँ। एंड अभी जो मौसम है वो भी सही है, बारिश आई नहीं है, हवा चल रही थी, तो चाय पिलाते हैं उसके बाद निकलेंगे सोफी को लेकर थोड़ा सा घुमाने के लिए और थोड़ा सा हम भी घूम लेंगे क्योंकि 2 दिन से जो है मैं घूमा नहीं हूँ। वाह यार मैंने आज चाय बड़ी अच्छी बना दी है, पापा को तो चाय दे दी है मैंने, अब मैं भी पी लेता हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है मेरी चाय। हाय हाय आप बैठ के चाय पियो, मैं गाय बात के आता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपनी गाय को बांध के आते हैं, उसको घास दे के आते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर सैर पे। बाय बाय चुन्नू, अभी आता हूँ बिस्किट लेके आऊंगा, ठीक है चुन्नू आराम से बैठना चुन्नू। तो चुन्नू को हमने बांध दिया बाहर पे, अभी इसकी घास काटी है खेत में, तो घास भी लेके आनी है, तो ऐसा करते हैं पहले घास ही ले आते हैं उसके बाद घूमने चलेंगे। आज घास जो है दूसरे खेत में काट रखी है और आज भी जो है ना ताई जी ने ही घास काट रखी है, तो ताई जी यार मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, नहीं तो मैं तो घास काटते काटते परेशान हो जाता। अभी एक पुला चाची ने भी काटा है, आगे उनका खेत है तो उनके वहां से भी उठाते ले आएंगे। सारी घास हो चुकी है भाई लॉक, तो अभी आप चलते हैं भाई घूमने के लिए। तो भाई मैं तो अपना घूम फिर के आ चुका हूँ, अब जो है ना मैं सोफी को भी लेके जाता हूँ। चलो चुन्नू घूमी घूमी करके आएंगे, घूमी घूमी करके आएंगे, आराम से चुन्नू, आराम से चुन्नू। आज तो शाम को घूमने वाला मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखो सनसेट के टाइम पे, और सोफी भी आज बहुत दिनों बाद घूम रही है। सोफी कैसा लग रहा है घूमने में, अरे दौड़ना लगा पे ना हाथ लग गया लगता है सोफी के, सोफी सूंघ सूंघ रही है बहुत जोर जोर से। सोफी क्या है क्या है, ओह हो अपने टॉयलेट करने की जगह ढूंढ रही है यार वो। तो यहाँ देखो दोस्तों सारी घास कट चुकी है, अब ऊपर ऊपर की रह गई है, तो 2-4 दिन में आप लोगों को सब खाली दिखेगा देखना। और हमारे धान भी पक गए हैं सारे के सारे, तो अब 1-2 दिन के अंदर अंदर में इनकी कटाई शुरू। आओ चुन्नू जी आओ, भ्रमण हो चुका है समाप्त आपका, अब बैठ जाओ आओ। दोस्तों जो है हम मच्छरों का उपाय करते हैं और आग जलाते हैं, शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आग तो जला ली है हमने, अभी मेरे को ना मिल्क लेने जाना है, मेरा जो परसों का दूध था ना देखो वो जम के दही बन चुका है, ऐसा कैसे पड़ा देखो, मैंने गर्म भी नहीं किया था ये, तो ये बन गया भाई मस्त साइक दही, ये देखो। मम्मी के ना होने से भाई ये दिक्कत है कि घर को अकेला बंद करके छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में रहने के बावजूद भी भाई मेरे को घर खुला छोड़ के नहीं जाना होता है। ओले मेरा चुन्नू चल देखो बात तो अंदर आ जा। ऑल राइट तो बेड इसका रेडी हो चुका है, अब इसको अंदर बांधते हैं। तो हमारा दूध भी आ चुका है, अब हम जो है आटा गूंदेंगे आराम से और जो है अपनी रोटियां बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारी सोफी को बहुत भूख लग गई बहुत ज़्यादा, वो देखो उसको नींद भी आ रही है। चुन्नू बना तो बेटा खाना, अभी रुक जाओ फिर खाएगा, चलो किचन में नहीं आते बाहर जाओ। डिनर तो मेरा तैयार हो चुका है भाई, मैंने रोटी सब्जी बना दी है, अब मैं ना एक चीज़ और बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे पास जो है ना दूध पड़ा हुआ है, एक पैकेट ये भी पड़ा है, तो कुछ मीठा मीठा खाने का मन कर रहा था। तब तक पापा को रोटी देता हूँ और उसके बाद मीठे में पापा के लिए सिवई बना दूंगा। फाइनली दोस्तों मेरी सिवई भी रेडी हो चुकी है और आज जो है ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और पापा जी को मैंने दे दिया साथ में सोफी को भी दे दिया खाना, तो सब लोग खा रहे हैं अब मैं भी खाता हूँ। तो सारे काम निपटाने के बाद दोस्तों फाइनली मैं रूम पे आ चुका हूँ, और रूम पे आने के बाद इसको पता है क्या चाहिए, देखो बिस्किट, इसको मैंने खाना खिला दिया उसके बावजूद इसको बिस्किट चाहिए, देखो 9 बजने वाला है। तो सारा काम मैंने एकदम बढ़िया तरीके से टाइम पे जो आज निपटा लिया, बाकी मम्मी का देखो अभी कंफर्म नहीं है, अगर मम्मी कल आना चाहे तो कल आ सकती है, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर परसों को आएगी, तो मतलब कि 1-2 दिन की अभी दिक्कत है। तो चलो फ्रेंड्स अब जो है हम अपनी गिटार प्रैक्टिस करते हैं और सो जाते हैं। तो दर्शकों इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को आजकल ये वाली चीज़ें सही लग रही नहीं लग रही मेरे को बताना, जो मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ गिटार वाली सॉन्ग्स और थोड़ा सा मतलब कट्स, थोड़ा सा मतलब एक अलग टाइप का जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो मुझे बताना जरूर से। तो चलो अगर सब कुछ पसंद आ रहा है तो यार लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए आ चुके हो भटकते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, सब्सक्राइब करो यार जल्दी से आगे बढ़ाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।